नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां योजना के तहत विकास के काम होंगे। गाजियाबाद में बरसात की दिक्कतों से जल्द मुक्ति मिलेगी शहर को। नगर आयुक्त से दैनिक भास्कर की अनन्य बातचीत। गाजियाबाद नगर निगम के नए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने चार्ज ले लिया है। उनकी भावी योजनाओं के बारे में दैनिक भास्कर के संवाददाता वैभव शर्मा ने उनसे बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। जिला गाजियाबाद के नगर निगम पद पर नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने चार्ज ले लिया। इसमें हमारे साथ महेंद्र सिंह तंवर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो आगे करने वाले को बढ़ाएंगे। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे चल के मतलब किस तरीके से आपके अहम मुद्दे जो पहले हैं जिन पर आप शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्वाइन मैंने कर लिया है यहाँ पे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुझे लगता है कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में और जो निगम के इंटरेस्ट में जो भी मुद्दे होंगे, उनको हम लोग टेकअप करके और समयबद्ध तरीके से उनको पूरा कराएंगे। और बेसिक्स को ठीक करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी, क्योंकि हम एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी एजेंसी हैं, तो सारी की सारी सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं, तो उनकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ये बेसिक बेसिक मुद्दों पर एक बार से पहले हम लोग फोकस करेंगे। और एक बार बेसिक्स ठीक हो जाएँ तो उसके बाद हम लोग बाकी जो आगे की चीज़ें हैं उनको देखेंगे। सर, बरसात का मौसम चल रहा है तो सफाई और जल भराव, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, दोनों ही मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का अगर समाधान करना है तो उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वो अपने सारे इश्यूज लेके मुझे एक बार डिस्कस करें, और जो भी उसमें डायग्नोसिस होता है उसका समाधान वहीं से निकलेगा, और जो भी बेस्ट सोल्यूशन इसका निकल के आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या सभासदों से सर बातचीत करेंगे जो छोटे छोटे मुद्दे होंगे लेके? ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मुझे लगता है कि लगभग मैं सारे सभासदों से मिल चुका हूँ यहाँ पे, जितने पार्षद हैं मेरे, सभी से मुलाकात कर लिया है। और उनको हमने कहा भी है कि आप अपने अपने वार्ड से जो उनके तीन मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है, उन तीन समस्याओं को जो है आप मुझे लिख के दें, और संभावित समाधान उनको क्या लगते हैं वो भी मुझे लिख के दें, ताकि मैडम मेयर के माध्यम से एक बैठक भी हुई थी जिनमें उन लोगों को कहा भी गया था। तो हम लोग, मैडम मेयर हैं, मैं हूँ, और जितने पार्षद हैं, उन सबको साथ समन्वय भी बहुत ज़रूरी है। तो समन्वय के साथ में उनके संभावित समाधानों को दृष्टिगत रखते हुए जो बेस्ट होगा गाजियाबाद के लोगों के लिए वो किया जाएगा। सर, एक रोड मार्किंग सिस्टम भी आप शुरू करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या है वो? अभी वो बहुत डिस्कशन स्टेज में है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब हम लोग उसको और फॉर्मुलेट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसका अगर ओवरऑल मैं एक लाइन में बात करूँ, तो सभी जितनी गलियाँ हैं हर वार्ड में, उसकी नंबरिंग होना बहुत ज़रूरी है, और कलर कोडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी 5 साल पुरानी हो चुकी है, कौन सी भी हाल में बनी है, ताकि हम लोग ये देख सकें कि किस जगह पे हमें यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करना है तो कैसे करना है। गाजियाबाद की जनता के लिए क्या करना चाहिए? मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, और उनको आश्वस्त करता हूँ कि आप सभी के हित में जो भी बेस्ट होगा निगम के द्वारा वो किया जाएगा, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। ये थे हमारे साथ नए नगर आयुक्त गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया है कि आने वाले समय में गाजियाबाद नगर निगम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास करेगी, इससे गाजियाबाद को और ज़्यादा सुधार हो सके। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, दैनिक भास्कर।